आर यू एन अरेंज मैरिज पर्सन और अ लव मैरिज पर्सन? जो भी हो, टंटे तो सब में ही है, और मैं भी आज यहाँ अपनी लव मैरिज का एक टंटा सॉल्व करने आई हूँ। होप कार्तिक वुड अंडरस्टैंड यार। अरे आप लोग क्या देख रहे हैं? जाइए जल्दी से नाटक पिक्चर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हाय हाय। सो व्हाट्स द स्टेटस? वो स्टेटस तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही है। ऐसे मत बोल यार, मना कर दिया क्या शादी के लिए घर वालों ने? तू इतना नेगेटिव क्यों सोच लेता है यार? तू बोलती है ऐसे, क्या हो गई कॉम्प्लिकेशन? तूने बताया नहीं उन्हें कि तू मेरे घर वालों से मिल चुके हैं, दे रियली लाइक यू एंड दे वांट अस टू गेट मैरिड। तू पागल है क्या? तू चाहता है कि मैं अपने घर वालों को खुद ही बता दूं कि मैं अपने रिश्ते की बात पक्की कर रही हूं? पॉइंट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो सोच ना फिर। जस्ट सॉरी, बता क्या कॉम्प्लिकेशन हो गई? वो एक्चुअली तेरा बायोडेटा मंगवाया है उन्होंने। अरे इतना क्या शौक हो रहा है, कोई किडनी थोड़ी ना मंगवा ली। किडनी नहीं मंगा ली, मैं जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, शादी कर रहा हूँ, बायोडेटा क्यों चाहिए? कार्तिक इन चीजों के लिए भी चाहिए होता है, वो जीजू से भी तो मंगवाया था ना उन्होंने। अभी तेरी जीजू और तेरी बहन की अरेंज मैरिज हुई थी, हमारी लव मैरिज है, तुझे पता है ना सब मेरे बारे में, तो बता दे उन्हें बायोडाटा क्यों चाहिए। ऐसे नहीं होता है यार, तो प्लीज समझा कर। यार मैं क्या समझूं कि तेरी फैमिली तुझ पे ट्रस्ट नहीं करती? तू कैसी बातें कर रहा है? मेरे उनको बताने में और लड़की वालों की तरफ से बायोडेटा आने में बहुत फर्क है, ओके? एंड ट्रस्ट मी, अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं तुझे बोलती ही नहीं ना। ओके फाइन, बता दियो क्या लिखना है, I'll make one. वही तो कॉम्प्लिकेशन है। तो बाकी सारी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी? एनीवे क्या कॉम्प्लिकेशन है? वो एक्चुअली तेरा पैकेज भी तो लिखना होगा ना बायोडेटा में। मेरा पैकेज? तेरा पैकेज सीटीसी? ओ हाँ, वो मैं लिख दूंगा। क्या लिख देगा, वही तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? तेरा पैकेज। मेरा पैकेज? कार्तिक देख, मेरे घर वालों को तो मेरा पैकेज पता है ना। हाँ, तो तेरा पैकेज मेरे पैकेज से थोड़ा कम है। तो तू थोड़ा सा बढ़ा के लिख दियो ना। एक्सक्यूज मी, What? एक सेकेंड, मैं अपना पैकेज बढ़ा के नहीं लिखने वाला हूँ। कार्तिक तू समझ ना मेरी बात को। अभी क्या समझूं? कार्तिक तुझे पता है ना इंडियन पेरेंट्स का? नहीं रिया, मुझे नहीं पता है, और तेरे पेरेंट्स का तो बिल्कुल ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या प्रॉब्लम होगी अगर तेरा पैकेज मेरे पैकेज से थोड़ा ज्यादा है तो? I know, इस बात को अपनी ईगो पे लेने की जरूरत नहीं है। It's just that मैं... कि तुझे शर्म आएगी कि मेरा पैकेज तेरे पैकेज से कम है। तू पागल है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। देख यार मेरी बात समझ, एक तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत मुश्किल से ये चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि आई एम गोइंग टू मैरी अ बॉय ऑफ माय चॉइस, तो तुझे भी तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ना। ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये झूठ है। क्या झूठ है? तू ज्यादा सत्यवादी हरीशचंद्र मत बन, ठीक है? एक सेकंड, मैं कुछ सत्यवादी हरीशचंद्र नहीं बन रहा हूँ, आई जस्ट डोंट वांट आवर मैरिज टू स्टार्ट विद अ झूठ। अरे क्या झूठ झूठ लगा रखा है, मुझे तो सब कुछ सच पता है ना, और वैसे भी मैं तेरा बायोडेटा अपनी तरफ से भी तो बना के भेज सकती थी ना। It's just that मैं चाहती थी कि ये सब तुझे पता हो, you know? यार तुझे बना देना चाहिए था मेरा, I don't know. या वैसे तो तू बड़ी फेमिनिस्ट बनती है, फेमिनिज्म ये फेमिनिज्म वो, अब क्या हो गया? बोल देती उनको जब वो तेरे को बोल रहे थे कि क्या हो गया उस लड़के का पैकेज मुझसे थोड़ा कम है तो क्या फर्क पड़ता है? तुझे शादी करनी है कि नहीं? हाँ। तो मेरी बात समझ ना, I just want ये सब peacefully work out कर जाए यार, थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना पड़ता है ना इन चीजों में। और I don't know, मेरे घर वालों ने तो नहीं पूछा, मतलब उन्होंने तो नहीं बोला कि लड़की कितने कमाती बताओ। अच्छा, उन्होंने नहीं पूछा कि उसको खाना बनाना आता है कि नहीं? हाँ तो? तो तूने क्या बोला? रिया मैं तेरे को खाना बनाना एक दिन में सिखा सकता हूँ,
मेरा सीटीसी एक दिन में नहीं बढ़ सकता। और अगर उन्हें सैलरी स्लिप मांग ली तो फोटोशॉप है ना यार, मतलब मांगेंगे? अरे वो तो बस टू बी ऑन अ सेफर साइड। यार आई डोंट नो कार्तिक, यार प्लीज मेरी सिचुएशन भी थोड़ा समझ ना यार। आई रियली वांट दिस टू वर्क आउट। क्या ही बोलूं मैं यार। तू कुछ मत बोल, मैं तुझे फॉर्मेट भेज दूंगी, तू मुझे अपना बायोडाटा बना के भेज दियो। और मैं तुझे जीजू का नंबर भी दे दूंगी, वो तुझे सब समझा देंगे कि पेरेंट्स बायोडाटा में क्या क्या देखते हैं। बस वो उनसे पैकेज वाली बात मत करियो प्लीज। क्या सोचना है इतना, तू जानता तो है जीजू को। अच्छा चलो, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ ऑर्डर करते हैं। यार सुन यार, शादी तो हो जाएगी ना हमारी। अरे चिल कर, मैं हूं ना। Excuse me. Hi. Hi. Thank you for watching our video. And do comment, comment करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी और तुम लोगों ने अपनी शादी में कितने पापड़ पेले। क्योंकि to be honest हमने तो बहुत पेले। और हाँ, don't forget to like, share and subscribe to नाटक पिक्चर। Do the same on Instagram and Facebook as well. And we are coming up with a lot of short stories and web series, so stay tuned. Yeah. All right. Toodles.